तो चलिए आइए, वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, स्टोइकोमेट्री लेक्चर वन में फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशंस क्या होता है, उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, हमने बेसिक आइडिया दिया था। ठीक है, हमने रिलेशंस भी बताए थे कुछ, दो स्पीसीज को आइसोटॉप्स कब बोलते हैं, किसी दो स्पीसीज को आइसोबार्स कब बोलते हैं, किसी दो स्पीसीज को आइसोटोनिक कब बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब बोलते हैं, आइसोमर कैसे बोलते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने ये सब बताया था। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफ़र कीजिए मेरे पिछले लेक्चर को, उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। इस लेक्चर में सीधे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की ओर। ठीक है, अपना अगला चीज़ जो होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो यूनिट है, क्योंकि वो यूनिट के लिए हमने 2 साल सफ़र किया और बहुत लोग जेई मेन में, जेई एडवांस में माइनर मिस्टेक करके आते हैं। क्या पता है सर, हमने यूनिट सेल्सियस ही ले लिया, 27 डिग्री सेल्सियस था सर, 27 ही पुट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस टाइप का प्रॉब्लम्स बहुत आता है, तो हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं और इस टाइप की गलती नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो भी आपको बताता हूं, ठीक है, अगर वो डाटा बेस्ड है तो आप उसे याद रखिए। ठीक, अब ऐसा नहीं याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसको सामने रखिए। आपको 2 साल में इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको आज जितना इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बता रहा हूँ आप उसे माइंड में रखिएगा, या फिर अपने एक पेपर पे लिख के कहीं पे अपने रूम में चिपका दीजिएगा। ठीक है, और जब मन करे तब वो यूनिट को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, और मैंने सारे यूनिट्स को एक जगह लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है स्टोइकोमेट्री में ऐसा यूनिट पढ़ना है, इससे घबराइएगा नहीं, यूनिट नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अभी बेसिक से चल रहे हैं, अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो क्यों ना फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर है, चलिए इसमें हम बताते हैं कुछ आपको सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। देखिए, ठीक है, क्या है इसमें, देखिए आराम से, देखिए ये डेसी, डेसी को कहते हैं 10^-1। ठीक है, डेसी 10^-1 मीटर या ग्राम या लीटर, मीटर या ग्राम लीटर का कहने का मतलब ये है कि अगर डेसी मीटर होगा तो एक डेसी मीटर में 10^-1 मीटर होगा, अगर डेसी ग्राम होगा तो एक डेसी ग्राम में 10^-1 डेसी ग्राम हो सॉरी ग्राम होगा एक डेसी ग्राम में 10^-1 ग्राम होगा। ठीक है, अगर डेसी लीटर होगा तो एक डेसी लीटर में 10^-1 लीटर होगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे मीटर और ग्राम और लीटर, आपको जो समझना है समझिए, सब कुछ में यही होता है। ठीक है, तो डेसी अपना क्या होता है, सेंटी का कन्वर्जन मीटर में या ग्राम में या लीटर में, मिली का कन्वर्जन मीटर या ग्राम, तो 1 डेसी 10^-1 1 सेंटी 10^-2, ये समझ गए आप, पहला एग्जांपल समझा वही है, 10^-2 मीटर और ग्राम और लीटर, 10^-3 मीटर और ग्राम और लीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में 10^-3 मीटर, 1 मिलीग्राम में 10^-3 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप का आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है फ्रेंड्स, ऐसे दे देगा, ठीक है, कि कहेगा कि पार्टिकल की जो साइज है वो 9×10^-9 नैनोमीटर है। अब आप नैनो पता ही नहीं है आपको कि क्या है नैनो, ठीक है, दे देगा पार्टिकल की जो साइज है वो 3×10^-12 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर आपको पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट आप किसी को पुट नहीं कर सकते कि अच्छा चलो मिलीग्राम दे दिया, मिलीग्राम ही पुट कर देते, ऐसा नहीं है, आपको या तो सीजीएस यूनिट में पुट करना पड़ेगा या तो एसआई यूनिट में पुट करना पड़ेगा, आप यूनिट से नहीं भाग सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको मीटर और ग्राम और लीटर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सारा एसआई यूनिट में होता है। ठीक है, एसआई, ये भी बताऊंगा मैं आपको, एसआई यूनिट में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है, जो मास है अपना उसका ग्राम होता है, जो वॉल्यूम है अपना उसका लीटर होता है, एसआई यूनिट यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब भी होता है, ठीक है, उसी को लीटर भी कहते हैं। तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, बेसिकली एसआई यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, बट ये लीटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आपको जैसे दे दिया कि एक पार्टिकल की साइज 3×10^-12 पिकोमीटर है, अब उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप उसे इजिली कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये टेबल मैं रिक्वेस्ट करूंगा याद रखें, अब मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, ठीक है, याद रखें। अब देखिए नोट, फेमटो इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मी। देखिए यहाँ पे हमने फेमटो लिखा है, 1 फेमटोमीटर में 10^-15 मीटर होता है, ठीक है। फेमटो को फर्मी भी कहा जाता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10^-15 मीटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्मी साइंटिस्ट का नेम था जो फेमटोमीटर का टर्म दिए थे, तो उनको उनकी नाम से इनको फर्मी भी बोला जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट और है, 1 एंगस्ट्रम में 10^-10 मीटर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में, ठीक है, जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने बैठता हूँ, ठीक है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना है तो आपको ये चीज जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मास का एसआई यूनिट केजी होता है, ठीक है, और सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, ठीक है। पिछले स्लाइड में शायद मैंने आपको मास का ग्राम बताया था, ठीक है, और गलती से एसआई यूनिट बोला था उसे, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मास सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, एसआई यूनिट केजी होता है। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर देखिए, अब देखिए लेंथ का क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, जो अपना लेंथ है, ठीक है, लेंथ, ठीक, हमने नहीं लिखा कि सबको पता ही होता है, फिर भी आप जान लीजिए, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टेम्परेचर का देखिए, बोथ एसआई और सीजीएस यूनिट दोनों केल्विन होता है, आसान है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल और न्यूटन m-2 होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैं सब आपको कन्वर्जन बताऊंगा कि एक डाइन में क्या होता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, मैं सारा बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। वर्क या एनर्जी कुछ भी की एसआई यूनिट जूल जूल होती है और न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी जूल वर्क और एनर्जी की। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज और डाइन सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट होती है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, ठीक है, देखिए क्या है इसमें, वर्क का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एफ इंटू डी होता है। अगर आप टेंथ में पढ़े होंगे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी होता है, ठीक है, तो एफ इंटू एल होता है, ठीक है। एफ इंटू एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बाय एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं एफ बाय एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब। देखिए ये एल स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एफ एल। तो एफ बाय एल स्क्वायर को पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, और एल स्क्वायर क्या देता है, एरिया बेसिकली, तो फोर्स बाय एरिया क्या होगा, पी। एल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक। तो डब्ल्यू को पी भी लिखा जाता है, और पी भी वर्ग डन होता है, ठीक है, और उसे जूल कहते हैं, ठीक, क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स तो पी भी निकालते हैं, पीवी का बहुत अपना अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पीवी वर्क डन होता है तो वो जूल होता है, ठीक, तो मैंने ये आपको बताया। उसी तरह चार्ज का क्या होता है फ्रेंड्स, एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही टर्म है, उसको स्टैट कूलम्ब भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, ईएसयू से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए हमने आपके लिए एक स्पेशल डायग्राम लाया है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। एसआई यूनिट में आप याद रखिएगा, ये मीटर है, ये लेंथ का है, एसआई यूनिट केजी है, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये मास का है, ठीक है, ठीक। एसआई यूनिट इसी तरह केल्विन है तो याद आ जाएगा टेम्परेचर का है, ठीक है। एसआई यूनिट मोल है तो ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो
ये मैं आपको एक व्हील लेके आया हूँ, आप इस व्हील को भी अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको SI यूनिट सारा का क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन्स देखते हैं, कन्वर्जन में क्या है, देखिए सेम चीज है, ठीक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सब एक जगह लिखा है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा ये, ठीक है। देखिए 1 cm³ 1 mL होता है, बहुत यूज होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, बिलीव मी। 1 dm³ 1 L होता है, हमने बहुत दिन तक इसी चीज से सफर किया कि मुझे कोई एक जगह यूनिट बताया ही नहीं, ठीक है। 1 dm³ में 1 L होता है, 1 m³ में 1000 L होता है, ठीक है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 लिखते हैं, मतलब ऐसा है कि जैसे 273 केल्विन है, ठीक, उसको डिग्री सेल्सियस में क्या लिखेंगे, तो 273 केल्विन सेल्सियस का वैल्यू पुट कर जब एक्स वाई है जी, एक्स की वैल्यू जैसे के की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सी की वैल्यू दी हुई है तो इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ भी सेम बात है, अगर सी की वैल्यू दी हुई तो एफ की वैल्यू निकाल लीजिएगा, एफ की वैल्यू दी हुई तो सी की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन में दो अननोन है, एक नोन पता है तो दूसरा निकल जाएगा। उसी तरह आप देखिए एफ को के में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एफ हमको दिया उसको के में कन्वर्ट करना है, तो एफ हमको दिया है पहले इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, सी निकालेंगे, फिर सी को इस इक्वेशन में पुट करके के निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, 1 calorie में 4.186 joule होता है, ठीक। अब हम इसको पढ़ें क्या, ये तो आसान है, ठीक, और आपको समझ में आना चाहिए, आप इसे पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे समझा देता हूं। अब 1 liter बार है सर, वो 100 joule कैसे हुआ, ठीक है। देखिए लीटर बार जूल में कैसे आया बताता हूं, लीटर क्या है, वॉल्यूम है, पता है सबको, बार क्या है, प्रेशर का कोई एक यूनिट, कोई एक यूनिट है, आई डोंट नो किस क्या है लेकिन कोई एक यूनिट तो है। तो वो जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन को मैंने पिछले भी वीडियो में समझाया था, मतलब पिछले भी स्लाइड में समझाया था कि वर्क डन एफ इंटू डी होता है, इसको एफ बाय एल स्क्वायर इंटू एल क्यू भी लिख सकते हैं, जो एफ इंटू एल ही होगा कट के। अब एफ बाय एल स्क्वायर को पी लिख सकते हैं, एल क्यू को भी लिख सकते हैं, जो पी वी के बराबर होगा, राइट, पी वी के बराबर होगा, मतलब पी वी क्या होता है जी, P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब बार, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लीटर, ठीक है। तो मतलब 1 liter बार में जूल, मतलब लीटर बार को जूल में कैसे आया हम ये बता रहे थे, ठीक है। उसी तरह लीटर ATM भी जूल में आएगा, 1 rid वर्ग कितना होता है, रिड वर्ग कॉन्स्टेंट, ये आपको पढ़ना है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो पढ़ाएंगे हम उसमें, रिड वर्ग कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपको। इसी तरह देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 electrostatic यूनिट में इतना कूलम्ब होता है, 1 electron में, मतलब बहुत आसान है, आपको बस टेबल याद रखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको इसे याद रखना चाहिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, इसके किसी भी यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आता है, किसी टाइप का आपको इरर दिखता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं अपनी गलती सुधारूंगा और आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसी तरह देखिए कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, ठीक है, क्या है, कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, ठीक। अब देखिए पेयर को 2 कहते हैं, सेंचुरी को 100 कहते हैं, मिलियन को 10^6 कहते हैं, मतलब 100 का एक स्पेशल नाम है जी, सेंचुरी, ठीक है। तो इसी तरह कुछ स्पेशल स्पेशल नाम है कि जैसे 12 का है डजन, वैसे ही उसी तरह का कुछ नाम मेरा लॉसमेट नंबर है, ठीक है, उसी तरह का कुछ नाम अपना लॉसमेट नंबर है फ्रेंड्स। अब देखिए ये लॉसमेट नंबर क्या है, लिखा है इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ml आइडियल गैस सैंपल एट NTP, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट ml आइडियल गैस सैंपल एट NTP, ठीक है। अब देखिए हमने देखिए NTP और STP क्या होता है, तो मैं ये आपको गैसेस स्टेट में बहुत अच्छे से बताऊंगा NTP STP क्या होता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो STP है उसमें जो कंडीशन होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, इसमें जो कंडीशन होता है ये प्रेशर 1 bar होता है और टेम्परेचर 273.15 kelvin होता है, और जो अपना NTP है इसमें प्रेशर को 1 atm लेते हैं और टेम्परेचर को 293.15 kelvin लेते हैं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है NTP STP गैसेस स्टेट में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल देखिए जो N की वैल्यू होती है वो अपने PNA/RT के बराबर होती है, ठीक है,
ऑब्वियस है, अगर आपका टेम्परेचर बदलता है तो एन की वैल्यू बदलेगी, मतलब लॉसमिक नंबर बदलेगी। मतलब एनटीपी में टेम्परेचर अलग है, जो मैंने आपको बताया 293.15 केल्विन, एसटीपी में टेम्परेचर अलग है जो टी इक्वल टू 273.15 केल्विन, प्रेशर भी अलग है, देखिए पीएनए बाय आरटी पी भी है, प्रेशर भी एनटीपी और एसटीपी में अलग अलग है। इसका मतलब एन की वैल्यू एनटीपी और एसटीपी पर अलग अलग आएगी। तो जो एसटीपी में वैल्यू है अपने लॉसमिट नंबर की वो इतनी है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर आप नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब एक मोल आप किसी भी सब्सटेंस का उठाइए जी, उसमें जितना यूनिट होगा, ठीक है, वही अपना एवोगाड्रो नंबर है, और वो कॉन्स्टेंट होता है, वो 6.022 × 10⁻³ के बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर वेट टेकन इन ग्राम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट मान लीजिए 16 ग्राम है, ठीक है, तो एटॉमिक वेट 16 amu है, ठीक है। आप अगर उसको ग्राम में टेक करते हैं, 16 amu इन ग्राम, मतलब 16 ग्राम सैंपल में 6.022 × 10³ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। यही एवोगाड्रो नंबर है, और ये इसका साइंटिस्ट एक एवोगाड्रो थे, उन्हीं के बेसिस पे ये, ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, ठीक है। द यूनिट्स मे बी इलेक्ट्रॉन एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन, मतलब यूनिट्स मैंने इसलिए यूज किया है कि ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का कितना यूनिट होगा, ठीक है, इसलिए हमने यूनिट यूज किया है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं एवोगाड्रो नंबर, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, इसलिए कर लेते हैं। अगले दिन तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपने एवोगाड्रो नंबर पे, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट इसलिए थोड़ा एक कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, 48 ग्राम ऑफ O3 सैंपल, 48 ग्राम ऑफ O2 सैंपल, 48 ग्राम सैंपल ऑफ O8। अब बताइए, ईमानदारी से सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक, अब आप बताइए कि इसमें क्या है। बहुत लोग मारेंगे, पता है, 48 ग्राम ऑफ O3 सैंपल, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ऑक्सीजन तो 16 amu, मतलब 16 ग्राम, ठीक है, O3 मतलब 48 amu, मतलब 48 ग्राम, ठीक है, 48 ग्राम कहेंगे, O3 सैंपल हो गया, अब तो बाप रे, तो इसका मतलब है कि, मतलब 16 × 3 = 48, तो इसका हो ही गया, तो मतलब ये 1 मोल है, ठीक है, ये 3 मोल है, तो बहुत कहेंगे सैंपल ऑफ O8, मतलब जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितना भी है O है या O2 है या O3 है, ठीक है, 16 amu ही मानना है, क्योंकि O एक एलिमेंट है, उसका 16 amu मानना है, और 16 amu को ही 16 ग्राम, ठीक, तो 16 ग्राम के हिसाब से ये 48 ग्राम कुछ भी है, O3 है, ये O2 है, O है, कितना है 48 ग्राम, 3 मोल है, ठीक है, ऑब्वियस है, क्योंकि आपका जो 16 amu है ऑक्सीजन का वेट कितना है जी, 16 amu एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मींस अगर इसी amu को ग्राम में लेते हैं तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि 1 मोल होता है, तो 16 ग्राम कितना होगा, 1 मोल, मतलब 1 Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर, मतलब 48 ग्राम में कितना होगा जी, 3 मोल। अब 3 मोल ये सारा है, ये भी 3 मोल है सारा, ये तीनों कितना है जी, 3 मोल है, ठीक है, तो ये तीनों 3 मोल है, 3 मोल में ये सारा है, तो अपने को कहना है कि ये सारे में सेम नंबर है, और कितना है, एक मोल में 6.022 × 10⁻³ यूनिट्स होता है, तो 3 मोल में कितना यूनिट होगा जी, इतना यूनिट होगा, तो यही अपना आंसर है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मैं अगले लेक्चर में आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग गिफ्ट लेके आऊंगा, ठीक है, एस्ट्रा सिमेट्री का मेरा अगला लेक्चर होगा, साथ ही साथ मेरा रिवीजन सीरीज भी चल रहा है, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर जेईई मेन जस्ट देने वाले हैं तो आप मेरा रिवीजन सीरीज जरूर फॉलो करें, और अगर आप जस्ट अभी क्लास 11th में गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाऊँगा, फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाऊँगा, धन्यवाद।